नमस्कार दोस्तों, YouTube खबरी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मेघ सिंह भाटी। इस चैनल पर मैं आपके साथ YouTube से जुड़ी हुई जानकारी और न्यूज शेयर करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैं अपने चैनल के वीडियो एडिट करने के लिए कौन कौन से वीडियो एडिटिंग ऐप का इस्तेमाल करता हूं। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं कौन सी वीडियो एडिटिंग ऐप का यूज करता हूं, यह बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि फिलहाल मैं 4 YouTube चैनल पर काम कर रहा हूं और चारों के वीडियो में मोबाइल से ही मैं एडिट करता हूं। अगर आप मेरे दूसरे वाले चैनल को देखना चाहते हैं तो इस चैनल के होम पेज पर जाकर फीचर चैनल में आपको मेरे सारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चैनल को देख सकते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं। अपने YouTube वीडियो को एडिट करने के लिए मैं 3 एप्लीकेशन का वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का यूज करता हूं। पहली है कैपकट, दूसरी है काइनमास्टर और तीसरी ऐप है साइबरलिंक पावर डायरेक्टर। साइबरलिंक पावर डायरेक्टर की मैं बात करूं तो यह बिल्कुल आसान ऐप है, खासकर जो बिगनर्स है, जो अभी अभी ज्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं जानते, उनके लिए यह ऐप अच्छा है। अगर आप एक ही लेयर पर एडिटिंग कर रहे हैं तब यह ऐप अच्छा है, बाकी मल्टी लेयर एडिटिंग के लिए मुझे लगता है कि यह ऐप ठीक नहीं है, खास नहीं है। इसमें आपको कोई ज़्यादा इफेक्ट वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन इसकी अच्छी खासियत यह है कि यह बार बार हैंग नहीं होता है। अब काइनमास्टर ऐप की मैं बात करूं तो यह मल्टी लेयर वीडियो एडिटिंग के लिए एक बेहतर ऐप है। इसमें आपको कई तरह के इफेक्ट मिल जाएंगे। इसमें आप अपनी वीडियो पर अलग अलग तरह के लेयर लगा सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से मोबाइल पर वीडियो एडिटिंग करने के लिए ये एक परफेक्ट और सबसे अच्छा ऐप है। हालांकि मेरे पास जो काइनमास्टर ऐप है यह बार बार हैंग हो जाता है, खासकर मैं जब इसमें ज़्यादा लेयर वगैरह यूज करता हूँ या फिर इसमें ज़्यादा फाइल मैं लोड करता हूँ तो यह बार बार हैंग हो जाता है और बंद हो जाता है। अब मैं कैपकट ऐप की बात करूँ तो यह ऐप अभी इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन मेरा जो पुराना मोबाइल है उसमें यह पहले से इंस्टॉल था तो अभी भी चल रहा है। हालांकि इसमें काइनमास्टर से कुछ एडवांस चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर सकते हैं, यानी कि वीडियो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ये एक अच्छा ऐप है, इसलिए मैं इसका यूज करता हूं। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें भी मैंने इसी ऐप के जरिए बैकग्राउंड रिमूव किया है। तो वीडियो एडिटिंग के लिए इन 3 ऐप का मैं यूज करता हूं। आप भी चाहे तो इन 3 का यूज कर सकते हैं, और अगर आप इनका पूरा ट्यूटोरियल वगैरह चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इन 3 ऐप के बारे में अलग अलग से वीडियो बनाकर इनका यूज कैसे करना है, इसमें एडिटिंग कैसे करनी है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दूंगा और मिलूंगा YouTube खबरी के अगले वीडियो में कुछ अलग YouTube से जुड़ी जानकारी या फिर खबर के साथ।